राजसमंद जिले के कुमारिया थाना अंतर्गत फियावड़ी पंचायत के पदमपुरा गांव में एक सिरफिरे युवक ने 3 मंजिला टंकी पर चढ़कर पेयजल की टंकी में छलांग लगाकर वो नहा लिया। ऐसे में लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच सुरेश चंद्र जाट व जलदाय विभाग के कर्मचारियों को भी दी। मौके पर ग्रामीणों ने टंकी खाली करवाई, जिससे 2 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहाया। हुआ यूं कि पदमपुरा में हाल ही में बनाई गई 3 मंजिला पेयजल टंकी, इस टंकी से 8 गांव में जलापूर्ति होती है, लेकिन एक सिरफिरे युवक द्वारा उस टंकी में स्नान करने को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया एवं पूरी टंकी को खाली कर दिया। ऐसे में 2 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा। वहीं लोगों ने इस मामले को लेकर आक्रोश जताया और मामले को लेकर निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि एक और कोरोना का कहर, वहीं दूसरी ओर इस सरफिरे युवक द्वारा पेयजल की टंकी में स्नान कर पानी को गंदा कर दिया, जिससे बुधवार को 2 गांव पदमपुरा व नाथुवास गांव में पेयजल व्यवस्था बाधित रही। मौके पर ग्रामीण टंकी के पास पहुंचे और टंकी को खाली करवाई गई। इस दौरान गांव के रामचंद्र खारोल, मोहनलाल गाडरी, मांगीलाल खारोल, अंबालाल बैरवा, वार्ड पंच नारायण लाल गाडरी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। काम करने वाला है जो ऊपर आओ, ये मैं भी गया ऊपर, हाथ लगा के देखा, सब देखा, उन्होंने बोला चेक कर लो, अब रेडी हो गई, थोड़ा उला पड़ था, थोड़ा सिंधा आ रहा है, बाकी कम्प्लीट है। बाद में तो उतर के बाप मेरी ड्यूटी वहीं लग रही थी, मैं तो बोला था चढ़ गया था उधर वो औरतों ने फिर बाद में आवाज मारी गए कि तू क्या कर रहा, नारा साबुन लगा नारा, पागल हो रहा है, पागल हो रहा है, सबने बोला, पर किसी कोई सुना भी नहीं वो जाने। फिर बाद में तू जाके बोल, मैं क्यों यार, मैं नहीं बोलता क्योंकि फालतू, क्योंकि ये गांव में ऐसा ही है, ये गांव में ये असरी है। नारायण जी को ऑन ड्यूटी पर रखा हुआ था, भांगड़ा काट लिया, और उन्होंने झगड़ा किया, वो अकेला आदमी रह जाता है, इसलिए कोई किसी खरी बात बोलने कोई काम ही नहीं है। फिर बाद में से ये फिर बाद में हमने बोला तो किसी ने सुना कान सुना करा के ऐसे झूठ बोल यार, मैं अकेला झूठ बोल रहा, पूरी लेबर झूठ नहीं बोल रही, लेबर को उतारा उसको। कितनी ऊंची टंकी है? टंकी तो 80 फीट होगी, 3 मंजिल भी। फिर पानी खर पानी खाली करवा, टंकी खाली होगी, पूरी खाली होगी। समस्या तो है पानी में, पानी की टंकी है जी, मैंने कोई आदमी गांव का कोई व्यक्ति है, मैंने जाकर स्नान कर लिया और हाँपड़ ले दो, और ये पानी पीने के लिए है 8 गांव के पास है, और मैंने जाके हापड़ उपरांत चंबल को पानी आज पीवा के बाद हापड़ लीधो, ये आज बीमारियां का चाल दिया कोरोना महामारी की, तो सूचना मिली कि हापड़वा मैंने तो पचे लोगों ने बानो गांव में सब बात फैलाई, उसके बाद में सूचना दी जल विभाग वाला को ये टाया इन्हें पानी की 15 लीटर पानी खाली करवाए, पानी 2 लाख लीटर है। ये जल्द कर्मचारी कहाँ गया उस वो नहीं नहीं हाँ सूचना मिली, बस जैन साहब अभी बात की और रात को भी 9 बजे फोन किया जैन साहब को, भाई इस तरह की समस्या हमारे टंकी में हापड़ लिया और कल ना पानी दोगे तो आप ये लोगों को परेशानी होगी। अब या, आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं ऐसी दोबारा ऐसी गिल्दी ने और इनकी कार्रवाई की जाए।